नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार आपका मुझे सहयोग और प्यार मिल रहा है, आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उसी प्रकार मिलता रहेगा। आप अधिक से अधिक मेरी इस वीडियो को ही क्या, सभी वीडियो का अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो। तो शुरुआत करते हैं पैंट्रम बरेक अलेक्जेंड्रिया के कैलीमैक्स द्वारा ग्रंथालय में पिंकाज का व्यवस्थापन किस आधार पर किया जाता था। दोस्तों, इसमें जो पिंकाज का व्यवस्थापन करते थे, वह हम आकार के आधार पर करते थे। क्वेश्चन नंबर दो है, आकार रंग आदि के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों, कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन साइज और कलर के आधार पर किया जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर तीन है, निदानी पर ग्रंथ व्यवस्थापन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। दोस्तों, सेल्फ पर जो बेस्ट अरेंजमेंट है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इसका आंसर चौथा नंबर है, विषय अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, फलकों ग्रंथों को फलकों पर व्यवस्थित करना अथवा उनका विवरण इस विधि से देना कि अध्ययन करने वाले के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो। वर्गीकरण की यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, यह वर्गीकरण की परिभाषा WC बर्विक शियर्स महोदय की है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, समान वस्तुओं को एक साथ संग्रहित करना अथवा अधिक विस्तार में समानता और असमानता के अनुसार वस्तुओं को व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। यह परिभाषित किसने किया है? तो दोस्तों, यह मार्गेट मन की परिभाषा है। पॉइंट नंबर दो आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्रंथालय वर्गीकरण किसी भी ग्रंथ के विशिष्ट वर्ग से के नाम को क्रमसूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। यह किसकी परिभाषा है? दोस्तों, यह SR रंगनाथन की परिभाषा है। ग्रंथ का वह भाग जिसका विस्तार एवं विषय वस्तु का क्षेत्र एवं गहराई ग्रंथ में दर्शित विचारों के समान हो, को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उनको हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट या विशिष्ट विषय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोस्तों, कार्य के तीन धरातल कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, कार्य के तीन धरातल वैचारिक धरातल, शाब्दिक धरातल और अंकन धरातल होते हैं। ये किसने चिन्हित किए हैं? तो इसका आंसर है पहला, डॉक्टर SR रंगनाथन ने यह जो है तीन प्लान बताए हैं। और क्वेश्चन नंबर नौ डिस्कस करते हैं, ग्रंथालय की आधारशिला ग्रंथ है और ग्रंथालयत्व की आधारशिला वर्गीकरण है। द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इज द बुक, द फाउंडेशन ऑफ द लाइब्रेरियनशिप इज क्लासिफिकेशन। यह किसकी परिभाषा है? यह WC बर्विक शियर्स की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर दस है, ग्रंथों को प्रयोगार्थ संग्रहित किया जाता है, उनकी व्यवस्था प्रयोगार्थ है तथा प्रयोग ही ग्रंथालय वर्गीकरण का उद्देश्य है। या इंग्लिश में बोल सकते हैं, बुक्स आर कलेक्ट फॉर यूज, दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूज एंड इट इज यूज विच इज मोटिव ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यह किसकी परिभाषा? यह इसी रिचर्डसन ने परिभाषित किया है। पॉइंट नंबर 11 डिस्कस करते हैं, हेनरी बुलिश के अनुसार ग्रंथालय वर्गीकरण से संबंधित विषयों को पास में लाने में सहायता करता है, को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हेल्प टू ब्रिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो दोस्तों, उसको हम क्रमबद्धता या कोलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य किसे कहा जाता है? दोस्तों, WC बर्विक शियर्स को ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य कहा जाता है। इसका पॉइंट नंबर 3 आंसर है। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रंथालय वर्गीकरण को तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित करने का प्रयत्न करने वाला प्रथम वर्गाचार्य कौन है? तो दोस्तों, इसी रिचर्डसन, इसका आंसर है पॉइंट नंबर 3। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वर्गीकरण, वह लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्गीकरण शब्द के निर्माता को क्या कहते हैं? दोस्तों, वर्गीकरण के निर्माता को क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं, और जो क्लासी बुक को क्लासिफिकेशन करता है, उसको हम क्लासिफायर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यही 16 नंबर, क्लासिफायर किसे कहते हैं? दोस्तों, जो बुक्स को वर्गीकृत या क्लासीफाई करता है, उसको क्लासीफायर कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वर्गाचार्य नहीं है? ध्यान देने योग्य बात है, तो WC बर्विक शियर्स जो है वर्गाचार्य नहीं है, बाकी तीनों जो है SR रंगनाथन, फ्रीमन ट्राइडर, CA कटर भी वर्गाचार्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं,
स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों एरिक डी ग्रोलियर इसका आंसर है। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए, एस आर रंगनाथन ने। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग विभिन्न परीक्षाएं देते हैं उनमें कोई ना कोई बुक दी जाती है और उसके ऑथर का नाम या ऑथर दिया जाता है और बुक का नाम पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नामक ग्रंथ के लेखक डब्ल्यू सी बर्विक सियर्स हैं। डेसिमल कोलन क्लासिफिकेशन इन परस्पेक्टिव, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन परस्पेक्टिव नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों उसके लेखक हैं आर एस पार्की। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण एनालिटिक और सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का निम्नलिखित में से वैकल्पिक पद कौन सा है? तो दोस्तों इसका वैकल्पिक पद होता है पॉइंट नंबर 3 फेसिट क्लासिफिकेशन अर्थात पक्षात्मक वर्गीकरण इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है 23 इनुमरेटिव स्कीम या परिगणनात्मक पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों पूर्व निर्मित वर्गांक वाली पद्धति को वर्गीकरण यह परिगणनात्मक पद्धति कहते हैं जिसमें पहले से ही रेडीमेड आपको क्लास नंबर मिलता है। पॉइंट नंबर 24 है, इनमें से ग्रंथालय वर्गीकरण की कौन सी परिभाषा पूर्णतया परिगणनात्मक या न्यूमरेटिव है? तो दोस्तों इसमें राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पूरी तरह से पूर्ण परिगणनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोलन वर्गीकरण संस्करण साथ निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? तो दोस्तों यह फ्रीली फेस्टेड अर्थात मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के किस प्रजाति के? तो दोस्तों यह प्योरली इनुमरेटेड स्कीम अर्थात विशुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट पॉइंट है 27, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का प्रणेता कौन था? दोस्तों एच ई बलिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के फादर थे। क्वेश्चन नंबर 27,